दोस्तों, अगर हम भोजन करने के बाद से अपने दांतों की सफाई सही ढंग से ना करें तो आगे चलकर हमारे दांतों के अंदर दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है और साथ ही साथ गंदे पीले होने की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को दांत में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तो वो बेहद ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके बिल्कुल आसान तरीके से मात्र चंद मिनटों में अपनी दांत दर्द की समस्या को ख़त्म कर सकेंगे। साथ ही साथ आप अपने गंदे पीले दांतों को बिल्कुल सफ़ेद और मोती की तरह चमकदार भी बना सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करना है। दोस्तों, सही सही जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक क्लीन बाउल की। आप ले लें एक क्लीन बाउल, और इस क्लीन बाउल में हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं, वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। जी हाँ, हल्दी पाउडर की मदद से आप अपने दांत दर्द की समस्या को बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि दांत दर्द की समस्या को तो ख़त्म करते ही है, साथ ही साथ आपके दांतों के ऊपर जो पीलेपन की समस्या है उन्हें भी ये दूर करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम मात्र आधी चम्मच की मात्रा में इस हल्दी पाउडर को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे, वो है दोस्तों नींबू। जी हाँ, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि दांतों के ऊपर से जो पीलेपन की समस्या है उन्हें दूर करता है, और आपके दांत काले हो चुके हैं तो उन्हें सफ़ेद करता है, और साथ ही साथ आपके दांतों के अंदर जो भी कीड़े लगे हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको लेना होगा एक नींबू, और इसे दो टुकड़े में काट कर और इसका यहाँ पर एक चम्मच की मात्रा में जूस को ऐड कर लेना होगा। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल की मदद से आपके गंदे पीले दांतों की सफाई हो जाती है, और साथ ही साथ आपके दांत के अंदर जो कीड़े लगे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और फिर से दोबारा वहाँ पर कीड़े नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर हम आधी चम्मच की मात्रा में ही बस ऐड कर लेते हैं इस कोकोनट ऑयल को। तो यहाँ पर हमने इनमें तीनों इंग्रेडिएंट को ऐड कर लिया। अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करेंगे। दोस्तों, इसी नुस्खे की मदद से आप अपने गंदे पीले दांतों को तो सफ़ेद और चमकदार बना ही सकेंगे, साथ ही साथ आपके दांतों के अंदर जो भी कीड़े लगे हैं और आप दर्द की समस्या से परेशान हैं तो इन जैसी समस्याओं से भी बिल्कुल आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, नुस्खा बिल्कुल हैवी है, बिल्कुल असरदार है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अब हम जानेंगे सेवन करने की विधि। इसे सेवन करने के लिए आप एक ब्रश लें और ब्रश के ऊपर इस पेस्ट को लगा लें, लगा कर और उसके बाद से अगर आप अपने दांतों की सफाई करते हैं तो आपके गंदे पीले दांत बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप कॉटन लेकर और इस पेस्ट को आपके जहां पर भी दांत दर्द कर रहे हैं उस जगह पर लगाएंगे तो आप अपनी दांत दर्द की समस्या से भी बिल्कुल आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों, इस नुस्खे को आजमाने के साथ साथ आपको भोजन करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से कुल्ला करना है और अपने दांतों की सफाई भी रखनी है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।